नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में आप कभी नहीं सोच सकते। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक रेड लाइट एरिया में पला बड़ा बच्चा, जो इतना बेकार एरिया जहाँ वैश्य, नशेड़ी, जुएबाज, बदमाश लोग रहते हैं, उन्हीं के संगति में पला बड़ा एक इंसान बड़े होकर एक महान इंसान बन सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है अगर किसी के इरादे नेक हों तो। आज मैं ऐसे ही इंसान के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वो है नामदेव ढसाल। जी हाँ, नामदेव ढसाल का जन्म 1949 में महाराष्ट्र के महार परिवार में हुआ था। उनके माता का नाम साडूबाई था और उनके पिता का नाम लक्ष्मण राव ढसाल था। उनके पिता काम की तलाश में मुंबई आए। मुंबई की रेलेट एरिया कमिठीपुरा में वह कसाई के पास काम करने लगे। नामदेव ढसाल का बचपन भी इसी रेलेट एरिया में बीता, जहाँ वैश्य, जुएबाज, नशेड़ी, पुलिस का दृश्य वे बचपन से ही देखते आ रहे थे। उन्होंने इन्हीं अनुभवों के साथ वे बड़े हुए। बड़े होकर उन्होंने समाज के न्याय के लिए अमेरिका के ब्लैक पैंथर के प्रभावों से प्रेरित होकर उन्होंने दलित पैंथर की स्थापना की। इस आंदोलन से वे कई दशक तक लोगों में जागरूकता व समाज में समानता लाने का कार्य करते रहे। वे अपने आंदोलन में समता मूलक समाज की स्थापना करने में वचनबद्ध रहे। उन्होंने हमेशा से ही जातिवाद, भेदभाव के लिए अपनी आवाज उठाई थी। इसी कारण उन पर दर्जनों मामले कायम हैं, बल्कि उनकी शादी वाले दिन भी उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ा। 1970 से 1980 तक यह आंदोलन अग्रसर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये संगठन मंद पड़ गया। नामदेव ढसाल राजनीतिक और साहित्य को एक सिक्के के दो पहलू मानते थे। उनका पहला काव्य संग्रह गोलपीठा उस रेड लाइट एरिया के जीवन संघर्ष पर आधारित है, जिस साहित्य में समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं था। तब उन्होंने समाज के दबे दुख दर्द की वेदना साहित्य में जगा दी। उनके साहित्य पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कार्ल मार्क्स का प्रभाव भी देखा जा सकता है। वह न एक क्रांतिकारी थे, बल्कि उच्च दर्जे के साहित्यकार भी थे। उनकी कविताओं का अनुवाद 26 भाषाओं में हुआ है। उनके पहले साहित्य काव्य संग्रह गोलपीठा के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। 2004 में साहित्य अकेडमी ने उन्हें गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।